हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं सोनमार्ग, और सोनमार्ग के अंदर हमको पता चला कि दो दिन के पहले वहां पर स्नोफॉल हुआ था, लेकिन आज मुझे लग नहीं रहा क्या स्नोफॉल हो, बिकॉज आज थोड़ी सी धूप है, इसीलिए स्नोफॉल के चांसेस थोड़े से कम है। सोनमार्ग श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है गाइस, और अभी आज हमने सुबह का ब्रेकफास्ट महाराजा ढाबा में किया। अभी यहाँ पर से मम्मी डैडी आ रहे, फिर यहाँ से हम जाएंगे सोनमार्ग, और सोनमार्ग हम आपको आज विजिट कराएंगे। तो गाइस, फाइनली हम सोनमार्ग आ गए। अगर आप कार से आओगे तो आपकी कार यहाँ पर पार्किंग हो जाएगी, फिर यहाँ से प्राइवेट कार है वो जाएगी 0 पॉइंट में, और इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी वहाँ पर भी हमको ले जाएंगे, तो हम वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट है, आपको 0 पॉइंट में जाना तो 0 पॉइंट में भी जा सकते हो, और पहाड़ को उस पार भी आप जा सकते हो। 0 पॉइंट पे एकदम एडवेंचर टाइप है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। लद्दाख बॉर्डर के पास ही 0 पॉइंट आया है, और गाइस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बर्फ भी है। देखिए, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा बर्फ आपको नजर आएगा, देखिए ऊपर। बिकॉज मैंने आपको कहा था ना कि 2 दिन के पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था, तो ऊपर थोड़ा बर्फ जम गया है, और वहाँ पर भी बहुत दूर देख सकते हो आप, वहाँ पर भी बर्फ है। देखिए तो देखिए गाइस, अभी हमने हमारी इको बुक करा दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड के अंदर प्राइस वगैरह भी सब कुछ। जैसे सबसे दूर है 0 पॉइंट, वो 54 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे भी आगे हम जाने वाले हैं जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। तो चलिए गाइस, आज का सफर स्टार्ट करते हैं हम सोनमार्ग का, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर जहाँ हुआ था हम वहाँ पर भी जाएंगे, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है, तो आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है। अहमद भाई हमको सारी चीज़ विजिट कराएंगे आज। अहमद भाई, कितना वक्त लगता है हमको जाकर आने में? आप एक घंटा जाने में, एक घंटा लगेगा, एक घंटा आने में, और वहाँ पर हम जितना रुके वो हमारे ऊपर डिपेंड है। गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो है कश्मीर का लास्ट गांव, कश्मीर की एकदम लास्ट वाली सिटी है। देखिए गाइस, आप देख सकते हो कश्मीर की एकदम लास्ट सिटी है, और इसके आगे जो सिटी आएगी वो लद्दाख के अंदर से स्टार्ट होगी। और गाइस, सोनमार्ग इतना ज्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगा, और इसे सोनमार्ग इसीलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ के जो पहाड़ की टोच है ना, ये एकदम सोने जैसी गोल्डन हो जाती है। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको इसकी टोच है एकदम गोल्डन नजर आएगी, इसीलिए इसे सोनमार्ग कहते हैं। सोन इसीलिए कहते हैं कि सोने जैसी लगती है ये, और मार्ग तो उसे कहते हैं जितने भी मैदान यहाँ पर है उसे मार्ग कहते हैं। और हमको सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पर, हम रूम से ही जैकेट पहन कर आए, बिकॉज यहाँ पर सर्दी भी बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये रोड जो आपने रील्स के अंदर देखा होगा, राइड्स में जो बाइक लेके राइडर्स लोग निकलते हैं, वो इसी रोड से निकलते हैं। मनाली, कश्मीर, लद्दाख जो सारी चीज कवर करते हैं ना, वो इसी रोड से निकलते हैं। और गाइस, यहाँ पर अभी एक टर्नर बन रही है जो एशिया की सबसे बड़ी टर्नर होगी, 25 किलोमीटर, वो भी बन रही है। 2 साल से उसका काम चल रहा है, अभी तक काम फिनिश नहीं हुआ, लगभग और 2 साल लग सकते हैं वो टर्नर को बनने में। वो टर्नर बनने के बाद लद्दाख का जो रोड है वो 12 महीने चालू रहेगा गाइस, बिकॉज अभी लद्दाख का जो रोड है वो मोस्ट ऑफली 3 से 4 महीने ही खुलता है, उसके बाद 8 से 9 महीने बंद रहता है, लेकिन ये टर्नर के ओपनिंग के बाद 12 महीने रोड ओपन रहेगा, तो राइडर्स के लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात होगी। ये रोड पे आने का हर एक राइडर का, हर एक गैंगस्टर का ड्रीम रहता है, जिसका जैसा शौक, कोई बाइक लेकर आता है, कोई कार लेकर आ रहा है, और ये देखिए अभी साइकिल लेके जा रहे हैं। सबका अपना अपना शौक रहता है यंगस्टर्स का। ये रोड ज्यादा खूबसूरत है, लद्दाख से भी ज्यादा ये रोड खूबसूरत है, बिकॉज लद्दाख के अंदर सिर्फ आपको पत्थरों के पहाड़ ही मिलेंगे, ऐसी ग्रीनरी नहीं देखने मिलेगी। ये देखिए हमारा एक गाड़ी चल रही है, ये भी हरियाणा से आई है, ये पूरी फैमिली है, ये लद्दाख जा रही है। तो गाइस, आज हमको सोनमार्ग में बर्फ नजर आया, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, कितना बेहतरीन लग रहा है बर्फ, देखिए गाइस, ये भैया के हाथ में बर्फ है, देखिए ये फेंक रहे, ये है देखिए, ये पूरा बर्फ का बन गया, ये बर्फ एकदम ठहर सा गया है, और देखिए पानी भी यहाँ पर से पिघल कर गिर रहा है, इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पर हमको बर्फ देखने मिल गया। चलिए गाइस, हम बड़े नसीबदार थे, हमने यहाँ पर सोनमार्ग में बर्फ भी देख लिया आज, और काफी बढ़िया लगा हमको।
पर अभी हम चलते जीरो पॉइंट पर। तो गाइस फाइनली हम जोजिला पॉइंट पर आ चुके हैं और देखिए गाइस कितना खूबसूरत है सोनमार्ग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी आंखें जो चीज़ देख पा रही है वो शायद स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा। जोजिला पॉइंट तक आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे, उसके आगे आपको पेड़ पौधे नज़र बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वहाँ से पत्थरों के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, लद्दाख के अंदर जो आप देखते हो इसके अंदर वो पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, बस ये लास्ट है ग्रीनरी, इसके बाद सारे पत्थर के पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए गाइस ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है वेलकम टू लद्दाख, देखिए गाइस। और ये जीरो पॉइंट है जो अभी हम जहाँ पे खड़े इसे पूरा कहते हैं जीरो पॉइंट, माशाल्लाह। गाइस अभी हमने यहाँ पर जीरो पॉइंट पे गिम्बल से थोड़े बहुत रील शूट कराई है, ये भैया के पास चार्जेबल है लेकिन काफ़ी बढ़िया रील एडिटिंग करके भी यही देंगे और शूट भी यही कर देंगे। और वैसे भी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी सिस्टर और फादर को कहाँ पर रील शूट करते पाएगी, इसीलिए मैंने गिम्बल में ही शूट करा दी। आपके भाई का भी ड्रीम में एक दिन ऐसे ही हिमालय पर हम आएंगे लद्दाख, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी फैमिली के साथ है तो नहीं कर सकते राइडिंग, लेकिन हम अहमदाबाद से इंशाल्लाह राइड करते हुए लद्दाख कश्मीर मनाली सबको कवर करेंगे। फाइनली हम आ गए जोजिला वॉर पर, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था एक टाइम पर, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर भी। आप पहाड़ के उस साइड जाओगे दो पहाड़ छोड़ के पाकिस्तान बॉर्डर है यहाँ पे जोजिला वॉर पे, और अभी हम खड़े हैं लद्दाख में बिकॉज लद्दाख स्टार्ट यहाँ से हो चुका है। और लद्दाख के अंदर आप देख सकते हो मोस्टली सारे पत्थर के पहाड़ आपको नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें सारे पॉइंट विजिट कर दिए, तो अभी हम चलेंगे नीचे। नीचे किसी और रास्ते से हम जाने वाले हैं बिकॉज हम आए थे किसी और रास्ते से और जाएंगे किसी और रास्ते से। और गाइस देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। कश्मीर के अंदर आप जितनी भी जगह पर घूमोगे, पहलगाम है, युसमार्ग है, सोनमार्ग है, वहाँ पे सबका एक अलग ही क्लाइमेंस है और अलग ही नज़ारा है। जैसे कि हमको आज सोनमार्ग का नज़ारा लगा, यहाँ पर एकदम पहाड़ आपको सोने जैसे एकदम गोल्डन नज़र आएंगे शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, तो यहाँ का भी नज़ारा कुछ और है। और सोनमार्ग के अंदर तो लद्दाख के अंदर ही भी हम एंटर हो गए, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है और बहुत मज़ा आया हमको। चलेगा सभी हम चलेंगे हमारे ड्राइवर के पास और उनसे कहेंगे किसी और रास्ते से हमको नीचे ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम नीचे आ गए फैयाज भाई के साथ वापस से अपने होटल पे, बिकॉज सोनमार्ग भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर क्या है ना, आप हर एक ही पॉइंट को एक ही दिन में विजिट कर पाओगे बिकॉज बहुत ही दूर दूर पॉइंट है, आप थक ही जाओगे। एक दिन में एक पॉइंट विजिट करोगे तभी आप बेहतरीन तरीके से घूम सकोगे। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर स्टे भी करते हैं, नाइस स्टे भी करते हैं, लेकिन हमने स्टे नहीं किया, हम डेली टू डेली होटल से आते और घूम रहे। हम लोग जा रहे थे और मम्मी ने जीत के अखरोट तोड़ना है यहाँ से, तो देखो हमारे फैयाज भाई ने हमको अखरोट तोड़ कर दिया माशाल्लाह। देखिए गाइस ये है अखरोट, इसको हम तोड़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। ये पूरा अखरोट का झाड़ है, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम अखरोट का झाड़ देखा, और ये पूरा ग्रीन कलर का बॉल आता है, देखिए अभी भी आप देख सकते हो ये अखरोट है। ये कवर को आप तोड़ोगे तो अंदर से अखरोट निकलेगा पूरा। इसको हम अहमदाबाद ले जाएंगे हमारे फैमिली मेंबर्स को दिखाने के लिए। चलिए गाइस फाइनली हम हमारे रूम में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा आज भी थक गए, तो चलिए गाइस आप अपने भाई को ऐसे ही प्यार करते रहो, आपका भाई सिर्फ आपके लिए ऐसे ही नई नई जगह पर जाके नए नए ब्लॉग बनाता रहेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ।